हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिज़ाइनर फ्रंट स्लिट कुर्ती विद नेट। ये मेरा नीचे का फैब्रिक है लाइनिंग का और ये मेरी नेट है। तो मैं ड्राफ्टिंग करने के साथ साथ इसका नाप भी बताती जाऊंगी। ये मेरा 1 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक है और 2 लेयर्स में रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक साइड से लूंगी लेंथ प्लस 2 इंच। लेंथ है मेरी 17 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 19 इंच आ जाएगा। अब मैं इसको स्ट्रेट मार्क करके इसमें जो है आगे की ड्राफ्टिंग करूंगी। इसके बाद हम ओपन पार्ट से 1/2 इंच मार्क लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन लेंथ वाइज भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ऐसे इस लाइन को छोड़ते हुए सबसे पहले इस लाइन पे लेंगे अपने शोल्डर टू शोल्डर विड्थ का 1/2 प्लस 1/2 इंच जो है 14। 14 का 1/2 हो जाएगा 7 प्लस 1/2 हो जाएगा 7.5 इंच। यहां से हम शोल्डर लेंथ का मार्क लेंगे जो है 7 इंच। अब इधर हम इसको पहले क्रॉस मार्क कर लेंगे 7.5 इंच पर और 1/2 इंच अंदर मार्क लगाते हुए ये 2 मार्क्स को हम टॉप पे जॉइन करेंगे। अब इधर से हम क्रॉस मार्क लेंगे अपनी चेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच। चेस्ट है हमारी 34 इंच, उसका 1/4 हो जाएगा 8.5 प्लस 1.5 इंच आ जाएगा 10 इंच। उसके बाद हम टॉप से अपनी वेस्ट लेंथ प्लस 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे जो है 14.5 इंच और यहां पर अपनी वेस्ट की फिटिंग के मार्क्स देंगे। वेस्ट है हमारी 29 इंच, तो उसका 1/4 हो जाएगा 7 1/4 इंच और आगे 1.5 इंच प्लस करेंगे और इन दोनों मार्क्स को स्लांट मैनर में मिला देंगे। उसके बाद हमने यहां से हल्का सा कर्विंग बाहर की साइड देना है ताकि हमारी हिप की फिटिंग सही आ जाए। अब हम फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की कर्विंग देंगे। अब इस मार्क से हम अपनी नेक विड्थ के 1/2 का मार्क लगाएंगे और अपनी शोल्डर लाइन गिराएंगे। नेक विड्थ है हमारी 5.5, तो उसका 1/2 हो जाएगा 2.75 इंच और यहां से हम 1/2 इंच के करीब अपनी नेक लाइन गिरा देंगे। अब हम यहां से ऐसे और बैक आर्म होल की कर्विंग करते हुए इस चौक मार्क की कटिंग कर देंगे। अब हम इस पीस को इस रिमेनिंग फैब्रिक पर एडजस्ट करेंगे और मैं उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करती हूं। बैक पीस के लिए हम फ्रंट पीस को रिमेनिंग फैब्रिक पर इस प्रकार एडजस्ट करते हैं ताकि ये जो 1/2 इंच है ये हम एक्सक्लूड कर दें और अब इसकी साइड साइड में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद हम बैक पीस को सेपरेट कर लेंगे और दोबारा से इसको सेट करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट स्लिट कुर्ती है, तो ध्यान रहे कि फ्रंट पीस हमारा ओपन पार्ट से बनता है। ये हो गई हमारी लाइनिंग की कटिंग, ये बैक पीस है और ये दो फ्रंट पीस है। अब इसमें हम टॉप से अपनी वेस्ट लेंथ प्लस हाफ इंच का निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नेट का फैब्रिक हम इस लाइन तक ही कट करेंगे और जॉइनिंग के लिए उसमें हाफ इंच स्विंग सीम लेंगे। ये मेरा नेट फैब्रिक है। अब हम लाइनिंग के पीस को इसके नीचे इस प्रकार एडजस्ट करेंगे ताकि जो ये मेरे लीव्स के डिजाइन है ये दोनों साइड के फ्रंट पार्ट्स पर अपर साइड में जाए। मैं ये एडजस्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब हम इस लाइन से हाफ इंच नीचे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और अब इस नीचे वाली लाइन से ऐसे कट करते हुए इसकी साइड साइड में कटिंग कर देंगे। ये हमारे नेक की कटिंग हो जाएगी अपर बॉडी के एक साइड के पार्ट की। फिर दूसरी साइड के पार्ट को भी मैं इसी तरह पत्तियों के डिजाइन ऊपर लेते हुए कटिंग करूंगी। इस पार्ट को भी मैं इस प्रकार रखूंगी और इसके ऊपर नेट एडजस्ट करके इसकी अपर पार्ट की कटिंग करूंगी। नेट फैब्रिक के फ्रंट दोनों पीस कट करने के बाद अब हम रिमेनिंग फैब्रिक को टू लेयर्स में ऐसे फोल्ड करेंगे और इस फैब्रिक को हाफ इंच एक्सक्लूड करते हुए ऐसे एडजस्ट करेंगे और इसकी साइड साइड में बैक पीस की कटिंग कर देंगे। यहां पर हम बैक आर्म की एक्स्ट्रा पहले कर्विंग भी कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट और बैक की नेट कटिंग हो गई है। अब मैं इस नेट फैब्रिक को एडजस्ट करके आपको नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। उसके बाद हम रिमेनिंग नेट फैब्रिक को टू लेयर्स में फोल्ड करेंगे। ये मेरा ओपन पार्ट है और अपर बोडाइस पार्ट को मैं इसके ऊपर हाफ इंच एडजस्ट करूंगी और अपर साइड से टोटल लेंथ प्लस 2 इंच का मार्क देंगे। टोटल लेंथ है हमारी 44, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 46 इंच। तो यहां तक हमारी कुर्ती की लेंथ आ जाएगी। उसके बाद हम टॉप से अपनी हिप लेंथ प्लस हाफ इंच का मार्क लगाएंगे जो होगा 22.5 इंच और इधर से हम हाफ इंच एक्सक्लूड करते हुए अपनी हिप का 1/4 प्लस 1.5 इंच का मार्क देंगे। हिप है हमारे 40, तो 1/4 हो गया 10 और 1.5 11.5 इंच। तो ये हम आउटर मार्क को यहां पर हिप की शेप देते हुए मिला देंगे। हिप की कर्विंग का मार्क देने के बाद अब हम बॉटम में आएंगे। बॉटम में हम हाफ इंच एक्सक्लूड करके अपनी हाफ बॉटम विड्थ का हाफ का मार्क लगाएंगे जो है 10 इंच और उसमें हम
एक्स्ट्रा 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे, वो हो जाएगा 11.5 इंच। इस लाइन को हम पहले यहाँ से स्ट्रेट करेंगे और इस आउटर मार्क को हम इस हिप लेंथ तक मिला देंगे। और अब इस चौक मार्क की कटिंग करेंगे, ये हमारी फ्रंट की नेट कटिंग हो जाएगी। अब हम इस फ्रंट पीस को क्लोज पार्ट से इस नेट फैब्रिक पर रखेंगे और अपने बैक पीस की भी कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट को इस प्रकार जॉइनिंग साइड से हम इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे और 1/2 इंच एक्सक्लूड कर देंगे और अब इसकी साइड साइड में हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी बैक पीस की कटिंग हो जाएगी। अब इस रिमेनिंग फैब्रिक से हम स्लीव्स कटिंग करेंगे, जो सिंपल है और जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो ये हो गई मेरी डिजाइनर फ्रंट स्लिट कुर्ते की कटिंग। ये फ्रंट पीस है और ये बैक और ये मेरे दोनों स्लीव्स। स्टिचिंग में सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के अपर बॉडाइस को लोअर पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे और उस पर एक प्रेस स्टिचिंग भी लगा देंगे और इसी प्रकार दोनों साइड में हम कर लेंगे। उसके बाद हम ये जो हमने लाइनिंग का पीस लिया है इसको रॉन्ग साइड में ऐसे फोल्ड कर लेंगे बॉटम में और इसको हम अब इसके नीचे रख करके इसको भी स्टिच कर लेंगे इस प्रकार से। यहां से ऐसे स्टिचिंग मारेंगे और ऐसे और ऐसे और यहां तक इसको स्टिच कर लेंगे। ऐसा ही दोनों साइड में करेंगे और बैक साइड भी इसी प्रकार स्टिच कर लेंगे, पहले नेट फैब्रिक को और उसके बाद लाइनिंग वाले फैब्रिक को, उसके नीचे हम लाइनिंग को सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद मैं नेक बनाना आपको बताऊंगी। फ्रंट और बैक पीस में लाइनिंग ज्वाइन करने के बाद अब हम, ये हमारा नेक है, इसको हम सेंटर से पहले कट कर देंगे ऐसे फोल्ड करके। अब इसको इस लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे, वो होगा हमारे जितना हमारी नेक विड्थ है उसका 1/2 प्लस 1/2 इंच, क्योंकि हमने यहाँ पर डोरी लगानी है उसके लिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। नेक को फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद अब हम ये अपने फ्रंट पीस पे आते हैं। यहां पर हम विड्थ में मार्क लगाएंगे अपने नेक विड्थ का 1/2 प्लस 1/2 इंच और इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी मार्क करेंगे। अब इन नेक्स को हम ऐसे लेंथ में हमने उतना ही कट कर लिया जितना हमें लेंथ चाहिए और अब हम इसको यहाँ पर पिन अप करेंगे इस प्रकार से और दोनों नेक्स को सिल देंगे। यहाँ पिन अप करके यहाँ पर स्टिच करेंगे और 1/2 इंच छोड़ करके कट करके इसको रॉन्ग साइड में लेके जाएंगे। ये करने के बाद मैं आगे प्रोसीड। गला कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें ये डोरी लगाएंगे, इसको इस प्रकार से रख के इसके नीचे और ऐसे यहाँ पर इसकी स्टिचिंग देंगे और जब यहाँ आएंगे गले पे तो इसको 1/2 इंच ऐसे अंदर फोल्ड करके बॉटम तक डोरी स्टिच करेंगे और ऐसा हम इन दोनों साइड्स में करेंगे।
डोरी स्टिच करने के बाद ये मैंने 2.5 इंच ब्रॉड एक स्ट्रिप काटी और इसको फोल्ड करके राइट साइड में ले आए। ये इस तरह की एक पट्टी बन जाएगी। इसको अब हम इसके बीच में ऐसे रखेंगे और दोनों साइड इसकी सिलाई करेंगे ऐसे। और जितनी लंबी आपने अपनी फ्रंट स्लिट खोलनी है वहां तक इसको ले सकते हैं और उसके बाद इसको यहां से बैक साइड में फोल्ड करके सिल देंगे और ये हमारी फ्रंट स्लिट खुल जाएगी। मिडल की स्ट्रिप जॉइन करने के बाद ये हमारी फ्रंट स्लिट खुल गई है। इसके बाद हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे और नेक बनाएंगे। मैं इसमें बैंड नेक बना रही हूँ, आप चाहो तो सिंपल नेक भी रख सकते हो। उसके बाद हम जैसे सिंपल कुर्ती में इसकी फिटिंग्स करते हैं बाकी प्रोसीजर वैसे ही करेंगे और लास्ट में हम बाजू जॉइन करेंगे। आप चाहो तो डेकोरेशन के लिए यहाँ पर बटन्स भी लगा सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये फ्रंट स्लिट कुर्ती बनानी पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।